दोस्तों, PKL सीजन 11 में हरियाणा स्टीलर्स वापस आ रहे हैं एक धमाकेदार स्क्वाड के साथ। पिछले साल के रनर्स अप हरियाणा स्टीलर्स ने इस साल कुछ ज़बरदस्त मूव्स किए हैं अपनी टीम को और भी मजबूत बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े साइनिंग के साथ, मोहम्मद रेजा चियानी, या जिन्हें हम प्यार से शादलू कहते हैं। PKL का एक स्टार ऑलराउंडर हरियाणा स्टीलर्स के लिए खेलते हुए दिखेंगे इस बार, और वो भी 2 करोड़ 7 लाख रुपए में। क्या साइनिंग है दोस्तों, ये उनका PKL के इतिहास में सबसे बड़ा एक्विजिशन है। मोहम्मद रेजा शादलू के आने से स्टीलर्स की ऑलराउंड कैपेबिलिटीज़ को एक और बड़ा बूस्ट मिलेगा। अटैक और डिफेंस दोनों में बैलेंस रखने के लिए शादलू एक की प्लेयर साबित हो सकते हैं। सिर्फ मोहम्मद रेजा चियानी ही नहीं, हरियाणा ने कुछ और बड़े नाम भी अपने स्क्वाड में शामिल किए हैं। नवीन और संस्कार मिश्रा जैसे इमर्जिंग ऑलराउंडर्स को 9 लाख में और डिफेंडर संजय को 13.2 लाख में टीम में शामिल किया गया है। संजय की डिफेंसिव स्किल्स और नवीन का ऑलराउंड अप्रोच इनके गेम प्लान को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए तैयार है। और हम जानते हैं PKL में डिफेंस जितनी मजबूत होती है, टीम की जीत उतनी ही पक्की होती है। दोस्तों, पूरी स्क्वाड को देखें तो टीम का हर एक डिपार्टमेंट स्ट्रांग लग रहा है। रेडर्स के पास विनय, शिवम, विकास यादव जैसे नाम हैं, और डिफेंस में हरदीप, जयदीप दहिया जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स टीम का स्पाइन बनाएंगे। स्क्वाड में एक्सपीरियंस और यूथ का एक परफेक्ट ब्लेंड है, और कोच का गेम प्लान इनको एक टाइटल कंटेंडर ज़रूर बनाएगा। हरियाणा स्टीलर्स इस बार अपना सब कुछ डालने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा स्टीलर्स इस बार अपने PKL सीजन 11 टाइटल का सपना पूरा कर पाएंगे?